नमस्कार बंधुरा, हेल्पफुल टिप्स यूट्यूब चैनल पक्ष के जाना आंतरिक शुभेच्छा और अभिनंदन। अनेक रिसार्चर पर किन्तु आजकल ये ट्यूटोरियल बनाना हो जर आधार कार्डर संगे मोबाइल नम्बर लिंक करा नहीं तारा आजकल ये वीडियो देखे करते पारबेन निजेर आधार कार्डर संगे मोबाइल लिंक सेटाओ आबार निजेर मोबाइल दिए मात्र चार पाँच मिनटर मध्य किन्तु आपनी से स्टेपगुलो फलो करे निजेर आधार कार्डर संगे मोबाइल नम्बर लिंक आप करते फ्यूचारे जेको आधार संक्रांत काज करते गेले जेमन ओटीपी चले आसे आधार कार्डे काज करते से ही समस्त काजगुली आपनी करे निते पारबेन। एछाड़ाओ आपनारा आधार कार्डर संगे जदि मोबाइल नम्बर लिंक करा थाके ताहले इन्स्टैंट आपनी पैन कार्ड किन्तु तैरि करे निते पारबेन। तो पैन कार्ड तैरि करते जरा पारें नहीं अर्थात इन्स्टैंट पैन कार्ड जर प्रयोजन पाँच मिनटर भरे तरा वीडियो डेस्क्रिप्शन नीचे क्योंकि लिंक पे जानारा चाहले पाँच मिनटर मध्य ही क्योंकि पैन कार्ड बनिए किंतु ताते एक मैंडेटरी होच्छे जे आपनार आधार कार्डर संगे मोबाइल नम्बर लिंक अवश्य थकते हैं कारण एक ओटीपी जाए ओटीपी दी हो जाए। तो आजकल ये वीडियोते जानाबो जे आधार कार्डर संगे मोबाइल लिंक आप क्यों करबें। तो चलो देखा जाक वीडियो शुरू करार पूर्वे अपने का एक छोटो रिक्वेस्ट करब आपनारा जरा एखोनो पर्यन्त हेल्पफुल टिप्स यूट्यूब चैनल के सबसक्राइब करें तारा नीचे लाल रंगे सबसक्राइब बटन का क्लिक कर पासे आसा नोटिफिकेशन घंटी अवश्य बजे देवें यही रकम नित्य नतन ट्यूटोरियलगुली पावर जो। तो जो आधार ऑफिशियल वेबसाइटर मध्य हमें एंट्री हो गए अपन को जानिए देव अपनारा कि भावे प्रोसेसटार मध्य आसबें कारण आधार समस्त काज लकडाउन कारण बंद छो किन्तु अनेक रिसार्चर पर ये खुजे बेर कर। तो एखन देखुन एखाने फार्स्ट अफ अल जे आपनी पेजटा ओपेन हो जाबे सेखाने आपनाके आपनार मोबाइल नम्बर दिए दीते हबे। मोबाइल नम्बर दिए देवार पर जे कैपचार कोडटा देखते पाबेन सेई कैपचार कोडटा नीचे दिए दीते हबे। तो चलुन प्रथमे मोबाइल नम्बर एवं कैपचार कोडटा एखाने दिए दी तारपर नेक्स्ट स्टेप कि आछे देखा दी। तो किछु किछु एरर आसबे सेई एररे जे प्रब्लेमगुली आसबे सेगुलोर समाधानो किन्तु आपनादेरके एकेर पर एक दिए देब। तो अवश्यई स्किप ना करे एकटु धैर्य सहकारे देखबेन। तो एखाने देखते पाच्छेन मोबाइल नम्बर एवं कैप्चर कोड दिए देर पर आपनार मोबाइल एक ओटीपी चले आसबे सेई ओटीपीटी आपनाके कि करते हबे ना एखाने देखते पाच्छेन सेई ओटीपीटी एंटार कर दीते हबे। एई ओटीपीटी एखाने दिए देवार पर सबमिट ओटीपी एंड प्रोसेस जे लेखा रयेछे एटिर उपर आपनाके क्लिक कर दीते हबे। तो एटी जखन आपनी क्लिक कर देवें आपनार सामने ठीक एई रकम एकटी इंटरफेस चले आसबे बा एई रकम एकटी पेजे रिडायरेक्ट हो जाबेन। एखाने देखते पाच्छेन जे पेजटी ओपेन होयेछे सेई पेजेर उपरे डान दिकेर कोनाते लेखा रयेछे आपडेट आधार। तो एई अपडेट आधार जे लिखा रही है ये आपडेट आधारे अपन के एक बार क्लिक कर दीते हैं। ये आपडेट आधार जो अपनी क्लिक कर देवें अपनार सामने ठीक यही रकम एक पेज ओपेन हो जाए एखे देखते डू यू वांट टू आपडेट एखे बोलते आपनी की कि आपडेट करते चाहिए एखे अपना जो नाम भूल थे से आनी आपडेट कर जेंडार डेट अफ बार्थ मोबाइल नम्बर जीएमएल एड्रेस एमक बायोमेट्रिक्सरों जो समस्या होगुलि आपनी आपडेट कर। तो चलो हमें एखे किचू करब ना जस्ट शुदुम्र मोबाइल नम्बर आपडेट करते चाहिए अर्थात यही आधार कार्डर संगे हमें मोबाइल नम्बर एक लिंक करते चाहिए। तो अपन के स्टेप बाय स्टेप देखो और अपनारा एक धैर्य सहकारे तीन चार मिनटर वीडियो हो अपना एक देखे नबें। तो देखो एखे मोबाइल नम्बर जो अपशन रही है सेखने चेकबक्स रही है सेखने टिक कर दिल टिक कर देवार पूर्वे अपन के रखी एखे देखते प्रथमे आपनर आधार डिटेल्स दीते अर्थात आधार कार्डे आधार कार्डटी जार नामे रही है से ही नाम दीते हैं दान दिखे देखते आधार नम्बर देव रही है ये आधार नम्बर आपके दीते हैं नाम एवं आधार नम्बर आपनार आधार कार्डे ठीक जे रकम नाम रही है ठीक से ही रकम ही नाम दीते हैं आधार नम्बर दीते हैं। तो चलो सेगुलो एक दिए नहीं नेक्स्ट स्टेप अपन के देखिए दीची। नेक्स्ट स्टेप जो अपनी नाम और आधार नम्बर दुटोई दिए देवें और जगह अपनी आपडेट करते चाहिए सेटर ऊपर क्लिक कर देवें और एखे अवश्य इंडियन रेसिडेंस जरा रही है ता इंडियन रेसिडेंस क्लिक करबें और यदि देखते मोबाइल नंबर अपडेट क्लिक कर प्रोसेस जो क्लिक कर देवें तक तो अपना सामने ठीक ए रकम एक पॉपअप उठे आसने आपको बनी कि मोबाइल नंबर मैं अपन का एक परमिशन चाहिए। तो अपनी जदि मोबाइल नंबर अपडेट करते चाहिए परमिशन अलाउ बा ओके कर देवें। ओके कर देवार पर पुनर क्योंकि अपनी जे मोबाइल नंबर सीमे आधार कार्डर संगे लिंक करते चाहिए से ही मोबाइल नम्बर आपके पुनर दिए दीते हैं। तो एखान चलो हमें से ही मोबाइल नम्बर आबारों दिए दीची और जो कैपचार कोड रही है से कैपचार कोडा दिए देव। तो चलो एकर पर एक धैर्य सहकारे देखें। तो देखो हमें एबार कैपचार कोडटा दिए दीची मोबाइल नम्बर दिए दिलाम एबार कैपचार कोडटा दिए देवार पर साइड ही देखते पाबेन सेंट ओटीपी लेखा रही है
मोबाइल नम्बर कैप्चर कोड दियार सेंड ओटीपी ते आपनारा क्लिक कर देवें। क्लिक कर दिले आपनार मोबाइले एक ओटीपी चले जाबे। तो से ही ओटीपी ते आपनादेरके एखाने किन्तु दिए दीते होबे एबं साइडे देखते पाच्छेन भेरिफाई ओटीपी बोले जे लिखा रयेछे सेटिर उपर टिक कर दीते होबे। तो चलुन आमी एखन ओटीपी टा दिए दी एबं भेरिफाई ओटीपी जे अपशन रयेछे सेटिर उपर क्लिक करी। तो चलुन एकटु ओटीपी टी आसते देरी होच्छे जानि ना केन। तो एकटु ओटीपी टेर जन्य आपनादेरो समय लागते पारे। तो ओटीपी आसार जन्य एकटु वेट करनी। ओटीपी चले एसेछे एबं ओटीपीटा आमी एखाने दिए देव। दिए देवार पर भेरिफाई ओटीपी जे लिखा रयेछे एई भेरिफाई ओटीपीते क्लिक करे नेब। क्लिक करे नेवार साथे साथे उपरे देखते पाच्छेन मोबाइल नम्बरे माने सक्सेसफुल हये गेछे। उपरे एकटा लेखा आसबे ग्रीन कालारे। तो एटा आसार पर जास्ट आमी रेड मार्क करे रेखेछि किछु सिक्यूरिटी जोनो। तो तारपरे देखते पाबेन एखाने सेव एंड प्रोसेस दाम दिकेर कोनाते लेखा आसबे। तो एई सेव एंड प्रोसेस जे लेखा आसबे एई सेव एंड प्रोसेसे किन्तु आपनादेरके क्लिक करे दिते होबे। मोबाइल नम्बरे ओटीपी दिया देवार पर किन्तु आपनाके एखाने सेव एंड प्रोसेस जे लेखा आसबे सेई लेखार उपर क्लिक करे दिते होबे। क्लिक करे देवार साथे साथे একটু লোডিং হওয়ার জন্য সময় নিয়ে নেবে। তো চলুন একটু লগিং লোডিং হওয়ার জন্য আমি সময় দিয়ে দিচ্ছি। কারণ তো দেখতে পাচ্ছেন লোডিং হয়ে যাওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফাইনাল এই অ্যাপ্লিকেশনটি শো করবে যেখানে লেখা রয়েছে ইওর অ্যাপ্লিকেশন হ্যাজ বিন সাবমিটেড এবং নিচে ইওর অ্যাপয়েন্টমেন্ট আইডি হিসাবে একটি আইডি দেওয়া রয়েছে যে আইডিটা কিন্তু আপনার ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। তাই অবশ্যই একটি স্ক্রিনশট নিয়ে নেবেন এবং নিচে দেখতে পাচ্ছেন বুক অ্যান্ড অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যাট ইওর নিয়ারেস্ট এনরোলমেন্ট সেন্টার। অর্থাৎ আপনার এই স্ক্রিনশটটা বা এই আইডিটা নিয়ে আপনার যে কোনো আধার কেন্দ্র যে আপনার নিয়ারেস্ট অর্থাৎ প্রতিটা লোকাল এরিয়ায় কিন্তু আধার কেন্দ্রর অফিস রয়েছে বা এরকম ছোটো ছোটো ব্রাঞ্চ রয়েছে যেখানে গিয়ে কিন্তু আপনি আপনার আধার কার্ডটির এই আইডিটি আপনি যদি দিয়ে দেন ওদেরকে ওরা সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আপনার আধার কার্ডের সঙ্গে লিংকের পারমিশনটা দিয়ে দেবে। তো এটাই আপনাদেরকে করতে হবে। এবং যদি আপনারা খুঁজে না পান যে বা আপনার যদি জানেন না যে আপনার নিকটবর্তী আধার কেন্দ্রটি ঠিক কোথায় রয়েছে তাহলে অতি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আপনার জেলার নাম আপনার থানার নাম এবং আপনার গ্রামের নাম কমেন্ট করে দেবেন। আপনাদেরকে আপনাদের একটাই কর্তব্য হলো যে আপনারা কমেন্ট করে দেবেন। এবং এই ইউটিউব চ্যানেলের কাজ হচ্ছে আপনাদেরকে সেই লোকেশনটা দেওয়া যেখান থেকে আপনি কিন্তু এই আধার কার্ডের আপডেটটা করে নেবেন বা যে কেন্দ্রটা রয়েছে সেই কেন্দ্রটার লোকেশন আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে। তাহলে অবশ্যই আপনার কর্তব্য হিসাবে আপনি কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন আপনার আধার কেন্দ্রটা ঠিক কোথায় রয়েছে। আপনাদেরকে আমি কমেন্টের মাধ্যমে কিংবা যে কোনো একটি ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো যে আপনার আধার কেন্দ্র কোথায় রয়েছে। তো আজকের ভিডিওটিতে এই টিউটোরিয়ালটা দিয়েছিল আপনাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট করবো একটু লাইক করবেন একটি করে লাইক করে দেবেন কারণ আপনাদের এই একটি লাইকে কিন্তু আমাদের ভিডিও বানাতে অনেক অনেক উৎসাহ জাগায়। আর আপনারা যারা এখনও পর্যন্ত আমাদের এই হেল্পফুল টিপস ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি নিচে যে যাবেন নিচে লাল রঙের যে সাবস্ক্রাইব বাটনটা দেখতে পাবেন সেটি ক্লিক করে পাশে আসা নোটিফিকেশন ঘন্টিটি বাজিয়ে দেবেন। আর যারা এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে জানাই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন কারণ এই ইউটিউব চ্যানেল সর্বদা চেষ্টা করে যে আপনাদের এমন একটি কিছু দেওয়া যাতে আপনাদের হেল্প হয় এবং এডুকেশনাল কিছু দেওয়ার যাতে আপনাদের ভবিষ্যতে কাজে লাগে। তো আজকের এই ভিডিওটা এই পর্যন্ত। ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন। জয় হিন্দ।